हेलो फ्रेंड्स, काजल्स किचन क्लब में आपका स्वागत है। जो आपको मीठा बहुत ही पसंद हो या फिर आपको कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप एक बार इस रबड़ी को जरूर बनाएगा। ये इंस्टेंट रबड़ी है, सिर्फ 15 मिनट में ये रबड़ी बनकर तैयार हो जाती है। और हाँ, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो जनरली हमारे घर में इजीली अवेलेबल होते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिस रबड़ी में आप एक घंटा लगा देते हो वो गाढ़ी करने में, ये सिर्फ 15 मिनट में वैसे ही गाढ़ी रबड़ी बनकर तैयार हो जाती है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इंस्टेंट रबड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। अब मैंने यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे कि 6 से 7 काजू और बादाम लिए हैं और 5 से 6 पिस्ता। इसे मैंने रफली ही कट कर लिया है, इसे मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। इंस्टेंट रबड़ी बनाने के लिए आज मैं यहाँ पे ब्रेड का यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड ली है, तो इसे हम इसके अंदर डालेंगे। जो आपको इसकी बाहर का जो ब्राउन साइड है उसे आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो, मैं इसे नहीं निकाल रही हूँ। इसी तरीके से हम हाथ से इसे तोड़ के मिक्सी जार में डाल देते हैं। इससे हमारी रबड़ी बहुत ही टेस्टी और इंस्टेंट बन जाती है। अब हम इसे पीस लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका हमें एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, सिर्फ हमें इसे दरदरा ही पीसना है। क्योंकि जो आप इसे बहुत ही फाइन पाउडर बना लोगे तो आपकी जो रबड़ी है वो एकदम स्टिकी हो जाएगी, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो चलो अब हम इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को पीस लिया है। आप देख सकते हो हमारे ड्राई फ्रूट्स और ब्रेड अच्छे से पीस चुके हैं। और आप देखिए कि इस तरीके का ही हमें इसे पीसना है, एकदम दरदरा, बहुत फाइन पाउडर नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो चलो अब हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई ले ली है और अब हम इसके अंदर दूध डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है। तो यहाँ पर आप कोई भी दूध यूज़ कर सकते हो, चाहे वो गर्म हो या ठंडा हो। तो अब हम इस दूध के अंदर एक उबाल आने देंगे पहले। तो फ्रेंड्स देखिए कि हमारे दूध में एक उबाल आ चुका है। अब मैं गैस की फ्लेम को मीडियम कर देती हूँ और इसे चम्मच की मदद से इस तरीके से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बार बार इस तरीके से चम्मच से इसे हिलाते रहना है, जिससे हमारा दूध जो है वो नीचे चिपके ना, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब मैं इसके अंदर थोड़े से केसर के धागे डाल देती हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालिए। अब यहाँ पर जो हमने ब्रेड क्रम्स और ड्राई फ्रूट्स रेडी किए थे उसे मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। और अब हम इसे चम्मच की मदद से दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने ब्रेड डाली है दूध के अंदर, उससे बहुत ही टेस्टी और इंस्टेंट रबड़ी बनकर तैयार होती है। इसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही इसे इस तरीके से गर्म होने देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि 5 मिनट हो चुकी है और हमारी जो रबड़ी है वो पहले से गाढ़ी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच चीनी ली है, इससे ज़्यादा चीनी मत लीजिएगा क्योंकि ब्रेड में भी थोड़ा सा मीठापन होता है। बहुत ज़्यादा मीठा हो जाने से हमारी रबड़ी जो है वो इतनी टेस्टी नहीं लगती है। फिर भी जो आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर हम इसे चीनी, जब तक हमारी अच्छे से पिघल ना जाए तब तक हम इसे और उबालेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसका जो रेशियो है वो आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे कि हमने 1/2 लीटर दूध में सिर्फ 2 ही ब्रेड डाली है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2 ब्रेड में ही हमारी रबड़ी इतनी गाढ़ी हो गई है, जो ज़्यादा ब्रेड डालोगे तो वो बहुत ही ठीक हो जाएगी, तो इस बात का आप ध्यान रखें। मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और उसके सामने वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, यानी कि मेरी नई रेसिपी की अपडेट आपके मोबाइल में सबसे पहले आ जाए। सब्सक्राइब बटन रेड नहीं है तो ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर दिया है, तो उसे बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इसके अंदर फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देती हूँ और इसी के साथ मैंने यहाँ पे येलो फूड कलर ले लिया है, तो उसके मैं 2-3 ड्रॉप्स इसके अंदर डाल देती हूँ। इससे थोड़ा सा रबड़ी में कलर अच्छा आएगा, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। दोनों चीज़ों को हम अच्छे से रबड़ी के साथ मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ तक कि हमने जो प्रोसेस की थी वो मीडियम फ्लेम पर ही की थी, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस गैस को हम फुल कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसे फुल फ्लेम पर ही हम इसे
उबालेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, हमारी रबड़ी जो है वो बहुत ही टेस्टी बनती है। और आपको बता दूँ कि कभी आपको मीठा खाने का मन हो या फिर कोई गेस्ट आए तो मीठे में क्या बनाए वो आप सोच रहे हो, तो आप इंस्टेंट ये रबड़ी बना सकते हो। और हाँ, ये गारंटी है कि आप किसी को भी ये रबड़ी खिलाओगे तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि ये रबड़ी ब्रेड में से बनी है, उतनी टेस्टी ये रबड़ी बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं और अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और आप देख सकते हो कि हमारी कितनी गाढ़ी रबड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। ये सिर्फ 15 मिनट में तैयार हो गई है। और आप देखिए, जैसे बाहर हम रबड़ी खाते हैं वैसे ही रबड़ी हमारी घर पर बनकर तैयार हुई है। तो चलो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स लीजिए, एकदम इंस्टेंट और टेस्टी ऐसी गाढ़ी रबड़ी बनकर तैयार है। तो आप भी इस रबड़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपकी रबड़ी कैसी बनी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ऐसी ही नई रेसिपी के साथ जल्दी ही मिलेंगी, तब तक के लिए बाय बाय।